हेलो माय डियर आर्ली इन्वेस्टर, मैं हूं गौरव नोंदी और हम हैं टीम क्यू डिजिटा। क्यू डिजिटा की मोटो है आपको एक आम रिटेल इन्वेस्टर को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना। और याद रखना, क्यू स्टैंड फॉर क्वालिटी इन्वेस्टमेंट कंटेंट। इंट्राडे मास्टर वीडियो सीरीज की लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि आप ऑटोमेटिक ट्रेंड फाइंडर टूल्स के ऊपर वीडियो देखना चाहते। सारे व्यूअर्स की जवाब था, आंसर था यस यस यस। इतना अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने के लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। आपकी इतना अच्छा रेस्पॉन्स, इतना अच्छा कमेंट की वजह से हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है इसी तरह से क्वालिटी वीडियो बनाने की। इसीलिए आज की इंट्राडे मास्टर वीडियो सीरीज की फिफ्थ एपिसोड के अंदर आज हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सीखेंगे कैसे ऑटोमेटिक ट्रेंड फाइंडर टूल्स की मदद से सिग्नल को आइडेंटिफाई करना है, कौन सी शेयर हमें बाई करना चाहिए, कौन सी शेयर हमें सेल करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, मैं आज की गेस्ट मिस्टर इंडस्ट्री एक्सपर्ट मिस्टर नितिन मुरारकर सर को वेलकम कहना चाहता हूँ कॉम्प्लीट क्यू डिजिटल फैमिली की तरफ से। मिस्टर नितिन सर है एसएमसी की रिसर्च हेड, साथ ही साथ सीएनबीसी आवाज, जी बिजनेस जैसे टीवी चैनल के अंदर हम नितिन सर को रोजाना देखते। सर यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर क्यू डिजिटल फैमिली। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए क्यू डिजिटल की व्यूअर्स के साथ। थैंक यू गौरव फॉर इनवाइटिंग ऑन क्यू डिजिटा फैमिली चैनल एंड आई हैव सीन योर प्रोग्राम्स। जिस तरीके से आप बोलते हो, जिस तरीके से आप मेहनत करते हो अपने व्यूअर्स के लिए, वो काफ़ी कमांडिंग है और इट्स वेरी गुड। आपके कंटेंट बहुत अच्छे होते हैं और मैं भी आपके चैनल को सब्सक्राइब मैंने भी कर रखा है और मैं भी सुनता हूँ आपके जो कंटेंट आप डिजाइन करते हो। तो थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म। और जैसा आपने बताया, मैं कैलकटा से मैंने सीए किया 2004 में और उसके बाद से मैं इंटरनेशनल मार्केट्स में ट्रेडिंग करता था। नैसडैक उस समय गूगल की लिस्टिंग हुई थी और टेक्निकल्स उसी समय सीखा और तब से आज तक मैं ट्रेडिंग में ही हूँ। और करेंटली आई एम विथ एसएमसी फॉर लास्ट 17 ईयर्स। 17 सालों से मैं इंट्राडे ट्रेडिंग पे ही फोकस कर रहा हूँ। ज़्यादातर इंडेक्स ट्रेडिंग करता हूँ और कुछ ऐसे स्टॉक्स की टेक्निक है जो आगे हम डिस्कस करेंगे, बट जो मेरा कोर एरिया है वो इंट्राडे ट्रेडिंग पे ही है। तो आगे हम लोग बहुत कुछ सीखने समझने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए गौरव। हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है सर। और सर थैंक यू सर हमें मौका देने के लिए, मतलब आपसे एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट से हमें मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने की हमें मौका मिल रहा है, जो कि बहुत बढ़िया एक मौका है हम सब के लिए, कॉम्प्लीट क्यू डिजिटल फैमिली के लिए। आज हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। तो सबसे पहले तो सर के लिए इस वीडियो को एक बार जल्दी से जल्दी सब लोग लाइक कर दो। और सर हमने एक चीज़ सुना है कि आपके पास ना एक मैजिक टूल्स है जिसके बारे में ना जो ट्रेडर कम्युनिटी है उसके उसके अंदर भी काफ़ी चर्चा है आपकी इस मैजिक टूल्स के बारे में। तो इस मैजिक टूल्स के बारे में हमने सुना है, इस मैजिक टूल्स के बारे में हमें लाइव मार्केट के अंदर सिग्नल मिलता है कि कौन सी शेयर हमें बाई करना चाहिए, कौन सी शेयर हमें सेल करना चाहिए विथ प्रॉपर टारगेट एंड स्टॉप लॉस। तो सर हमें भी थोड़ा सा बताइए आपकी इस मैजिक फॉर्मूला, मैजिक टूल्स के बारे में। देखिए गौरव, आपने नाम बहुत अच्छा दिया मैजिक टूल्स। और इसको मैं दूसरी तरीके से बोलूं तो ये मैजिक टूल के साथ साथ एक हेल्पिंग टूल है। और क्योंकि ट्रेडर्स को मैजिक के साथ साथ एक गाइडेंस और हेल्प चाहिए लाइव मार्केट में, जिससे वो डिसाइड कर सके कि मुझे क्या करना है, कब करना है और किस लिए करना है। तो जो आपके मन में क्वेरीज होती है कि मुझे कौन सा शेयर लेना चाहिए, किस भाव पे लेना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए और क्या टारगेट होना चाहिए, जनरली इंट्राडे ट्रेडिंग में ये चार चीजें हमें चाहिए होती है। और इस चारों क्वेश्चंस का आंसर आपको वहां पे within 30 seconds मिलते हैं। तो वो एक टूल डेवलप किया है एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज ने, जिसे हम ऑटो ट्रेंडर के नाम से जानते हैं। एंड दिस इज द ऑटोमेटेड टूल, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल्स जो है वो सारे ऑटोमेटेड आते हैं और उसके पीछे जो लॉजिक्स हैं वो डेटा ड्रिवन लॉजिक्स हैं। जैसे तीन तरीके के एनालिस्ट होते हैं, वन इज टेक्निकल एनालिस्ट, सेकेंड इज फंडामेंटल एनालिस्ट एंड द थर्ड इज डेटा एनालिस्ट। तो जो हम अभी बात करने वाले हैं वो डेटा ड्रिवन सॉफ्टवेयर की बात करने वाले हैं, डेटा एनालिसिस की बात करने वाले हैं। तो मैं आपको सॉफ्टवेयर के अंदर ले चलता हूँ जिसे हम ऑटो ट्रेंडर के नाम से जानते हैं। इसे आप ट्रेडर्स हेल्पिंग टूल आप बोल सकते हो कि ये एक ट्रेडर्स जो इंट्राडे ट्रेडिंग करता है
उसके लिए एक रामबाण कहें या काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। जैसे आज कई एग्जाम्पल्स हम समझेंगे कि आज के दिन में कौन से स्टॉक्स में एक ट्रेडर्स को ट्रेड करना चाहिए था और कौन से सेक्टर में ट्रेड करना चाहिए था और किस तरीके से ट्रेडिंग करनी चाहिए थी। तो हम इसे एसएमसी ऑटो ट्रेडर के नाम से जानते हैं और इसमें जो भी फॉर्मूलेज लगे हुए हैं, टेक्निकल एनालिसिस भी यूज की गई है, वॉल्यूम पैटर्न्स को यूज किया गया है, ओपन इंटरेस्ट को यूज किया गया है, वेरियस डेटा पॉइंट्स को यूज करके इसको डिजाइन किया गया है और ये करीब 4-5 सालों से हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, हमारे क्लाइंट्स भी यूज कर रहे हैं, हमारे सब ब्रोकर्स भी यूज कर रहे हैं और एक ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी काफी यूजफुल टूल है। तो आप हमें बताएं हम किस तरीके से गौरव आगे प्रोसीड करें। बेसिकली इस टूल को हम ऑटो ट्रेडर के नाम से जानते हैं, जिसको आपने मैजिकल टूल कहा, मैं इसको हेल्पिंग टूल के नाम से बुलाऊं तो ज्यादा बेहतर है। नहीं, एक्चुअली बिगिनर्स के लिए तो मैजिक ही हुआ ना, सब कुछ रेडीमेड जी मिल जाएगा उनको। तो जी जी सर, टूल्स देख देख के तो हमें बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट आ रहा है। तो मतलब कैसे इस टूल्स की मदद से हमें मतलब फाइंड आउट करें, आइडेंटिफाई करें आज हमें कौन सी सेक्टर के अंदर जाना है और कौन सी सेक्टर की पार्टिकुलरली कौन सी स्टॉक के अंदर हमें ट्रेडिंग लेना है जिनसे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, तो उस प्रोसेस को थोड़ा सा अगर हमें बता सकते हैं तो। देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि इंट्राडे में जब मार्केट 9:15 बजे खुलती है तो सबके मन में ये क्वेश्चन होता है कि आज कौन सा सेक्टर चलेगा या कौन सा शेयर चलेगा, एकदम एकदम और हर आदमी ये सोचता है कि आज इंट्राडे में मुझे कैसे प्रॉफिट हो जाए। तो हाँ उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एक वीडियो में लेके चलता हूँ। और ये वीडियो गौरव क्या है आप बताओ, ये तो कैलकटा में काफी रेस कोर्स है, हाँ ये वीडियो है क्या एक्चुअल में आप बताएं क्या दिख रहा है हमें। ठीक रेसिंग हो रहा है हर्ष के बीच में। है, ये रेसिंग हो रही है हाँ और इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी एक घोड़े पे आपको पैसे लगाने हैं तो आप कौन से घोड़े पे पैसे लगाना पसंद करोगे, तो ऑब्वियसली फर्स्ट वन। सबसे फर्स्ट वन पे ही हाँ लगाओगे, ऑब्वियस है। हाँ आपने ये कैसे डिसाइड किया कि फर्स्ट वन इज बेटर देन द सेकेंड वन, क्योंकि क्योंकि मतलब ऑलरेडी वो मतलब नजदीक है फिनिशिंग लाइन की। वो हाँ उसके बेसिकली इन दोनों के जो डिस्टेंस है, इन दोनों का डिस्टेंस के बीच में अगर जो फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच में आप देखेंगे तो फर्स्ट वन ज्यादा डिस्टेंस गेन कर रहा है, दैट्स व्हाई आपने ये डिसाइड किया कि मैं फर्स्ट वन पे पैसे लगाऊंगा। बट हाँ बिल्कुल अगर इस तरीके से आपको स्टॉक मार्केट दिखने लग जाए तो क्या पैसा कमाना आसान हो सकता है? तो बारिश हो जाएगा पैसा की। तो मैं आपको इस तरीके से मार्केट आज दिखा सकता हूं कि आपको मार्केट इस तरीके से दिख सकती है। आज के दिन में ये आगे वाला घोड़ा क्या था आप बता सकते हो अंदाजे से? आज सेक्टर की बात कर रहे हैं कि कौन सा सेक्टर आगे का घोड़ा था। आज शायद आईटी शायद नहीं, ये देखिए आप फिर से गलत पड़ गए यहाँ पे। आज आज का सबसे आगे का घोड़ा था बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी। और अरे सबसे पीछे वाला घोड़ा था आईटी। अब क्या होता है गौरव जी, जब आदमी मैनुअल डिसाइड करता है तो हाँ मैनुअल में 10 10 लोगों का 10 व्यू हो सकता है, क्लैरिटी नहीं आ सकती। बट जब आप उसको ऑटोमेटेड एंड फॉर्मूला के साथ कैलकुलेट करेंगे, विच इज कॉल्ड रिलेटिव स्ट्रेंथ रैंकिंग, यहाँ पे एक फॉर्मूला हमने यूज किया है रिलेटिव स्ट्रेंथ रैंकिंग, और इसके ऊपर हम ये फाइंड कर रहे हैं कि आज कौन सा सेक्टर चलने वाला है। अब मैं आपको वापस से सॉफ्टवेयर में लेके चलता हूं जिससे आप ये निकाल सकते हो कि आज का घोड़ा कौन सा होगा। मेरी स्क्रीन आ गई होगी, ये हाँ बिल्कुल देखिए हमने पूरे मार्केट को 8 घोड़ों में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर दिख रहा है ये। बिल्कुल अब इनकी स्ट्रेंथ हम निकाल रहे हैं एवरी 15 मिनट कि दो ओके घोड़ों के बीच में कौन से घोड़े में स्ट्रेंथ आ रही है, ये हम मेजर कर रहे हैं विद द लॉजिक कि दोनों के प्राइस में किसमें ज्यादा एप्रिसिएशन। अब आप देखिए इसमें बैंक निफ्टी और पीएसयू सबसे ज्यादा स्ट्रांग थे आज, बैंकिंग एंड पीएसयू, स्पेशली बैंक निफ्टी। तो आज का घोड़ा बैंकिंग हो गया और सबसे वीक घोड़ा आईटी हो गया। अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं तो मैं इस मॉडल को देख के 15 मिनट 30 मिनट ये दो टाइम फ्रेम पे मेरी नजर होती है,
और इसमें हम ये ऑब्जर्व करते रहते हैं कि कौन सा घोड़ा आगे निकल रहा है। तो जैसे आपने वहां बताया रेस देख के कि आप फर्स्ट वाले पे पैसे लगाओगे, तो इस रेस को देख के आज किस पे पैसे लगाते हैं आप? आज तो बैंक पे जाते। बट ऑब्वियस है कि बैंकिंग हाँ पे जाते। हाँ नाउ अब क्वेश्चन ये होता है कि ये तो हम क्लोजिंग का डेटा अभी देख रहे हैं, क्या हमें ऐसा सुबह 9:15 बजे दिखता है? तब तब पैसे बनाया जा सकता है। तो होता क्या, मार्केट जब 9:15 बजे खुलती है तो आधे घंटे हम इस मॉडल को टाइम देते हैं कि घोड़ा अपनी रफ्तार पकड़े, और आफ्टर 9:45 ये हमें क्लेरिटी मिलती है कि कौन सा घोड़ा आगे निकल रहा है, और फिर हम इसको ऑब्जर्व करते रहते हैं तो हमें सेक्टर का आइडिया लगता है कि इस सेक्टर में स्ट्रेंथ है, ये लीडिंग है, ये लैगिंग है। अब जो लीडिंग सेक्टर है उसमें अगर मार्केट तेजी की तरफ है तो हम उसमें उसके स्टॉक्स में फिर जाते हैं और उसमें स्टॉक्स में हम ट्रेडिंग करते हैं बाइंग की तरफ। अगर वो लैगिंग है, मार्केट सपोज वीक है, तो उस केस में जैसे आज आईटी है, अब क्या हो रहा था, 3-4 दिनों से आईटी बढ़ रहा था, तो सारे आदमी ये सोच रहे होंगे, सारे इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स का ऐसा मानना होगा कि आईटी चलेगा, आईटी चलेगा। बट आज देखिए क्या हुआ, आईटी नहीं चला, टीसीएस और इंफोसिस ने लोगों को बेवकूफ बनाया और चल क्या गया, कोटक बैंक चल गया, बैंकिंग के स्टॉक्स चल गए, करेक्ट। तो हाँ बेसिकली आप इंट्राडे में इस मॉडल को देख के मिसगाइड नहीं होंगे, और आपको एक टॉर्च लाइट की तरह ये गाइड करता रहेगा मार्केट में कि कौन सा सेक्टर में जाना है और कौन से ओके सेक्टर में नहीं जाना है। ओके यानी कि हमें बिल्कुल फ्लो के साथ चलना है। हाँ, हमें बिल्कुल फ्लो के साथ चलना है, और जिसमें स्ट्रेंथ आ रही है उसमें हमें ट्रेड करते रहना है। तो इससे क्या होगा, आपके पास ऑलवेज वो स्टॉक होगा जो फास्टेस्ट मूविंग स्टॉक और सेक्टर ऑफ द डे है। अब ओके जैसे हमने सेक्टर आइडेंटिफाई कर लिया, अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बैंकिंग में कौन सा। एक तो हो गया कि बैंक, दूसरा हो गया बैंकिंग में कौन सा। बैंकिंग में कई स्टॉक्स हैं, बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक भी है, यस बैंक भी है, एक्सिस बैंक भी है, कोटक बैंक भी है, तो कौन सा बैंकिंग में। तो मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं गौरव जी, कि बैंकिंग लेना है तो बैंकिंग में कौन सा लेना है, आप एक अंदाजे से बताएं। अंदाजा फिर से आपकी आपके चाल से ही जाएंगे हम देखेंगे ना कौन सा ज्यादा आगे जा रहा है, कौन सा घोड़ा, उसी बैंक के करेक्ट साथ जाएंगे। करेक्ट। देखिए ये और इंटरेस्टिंग अपनी टॉक हो रही है, क्योंकि देखिए एक होता है आदमी जो ट्रेडर है वो अपने अपने अंदाजे से कैलकुलेट करते हैं कि हाँ भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है। दूसरा, एक साइंटिफिक तरीके से आप उसको निकालो तो उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे सेक्टर सारे देख रहे हैं, ऑटो है, ऑटो एंसिलरी है, कैपिटल गुड्स हैं, सारे सेक्टर्स आ रहे हैं हमारे। बिल्कुल इसमें एक सेक्टर है प्राइवेट बैंक। अब जब हम प्राइवेट बैंक्स में जाते हैं तो प्राइवेट बैंक्स में आप देखिए, प्राइवेट बैंक्स में कुल मिला के 11 घोड़े हैं। अभी 11 घोड़े में इंट्राडे में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट घोड़ा कौन सा है? फिलहाल क्लोजिंग के हिसाब से कोटक बैंक है। कोटक है। हाँ अब मुझे ऐसा लगता है कि कोटक बैंक में कल गैप अप ओपनिंग होगी, लाइक बीटीएसटी के लिए भी कोटक बैंक इज अ गुड कैंडिडेट, क्योंकि ओके एक तो सेक्टर मजबूत, सेक्टर का सबसे ऊपर का स्टॉक, ठीक है। तो कोटक बैंक अगर आज के दिन में मुझे इंट्राडे ट्रेड करना होता तो मेरे लिए फर्स्ट सेक्टर आइडेंटिफाइड होती बैंकिंग, एंड बैंकिंग के अंदर होता मेरे पास कोटक बैंक। अब नेक्स्ट जो आपने आगे पूछा कि इससे हमें यह पता चलता है इस मैजिकल टूल से कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, राइट। बिल्कुल हाँ तो अभी तक हमें क्या पता चला, हमें सेक्टर पता चला, सेक्टर के बाद हमें उस सेक्टर के अंदर कौन सा स्टॉक है ये पता चला। अब थर्ड पॉइंट है कि उसके टारगेट या स्टॉप लॉस क्या होने चाहिए, राइट। तो बिल्कुल उसके टारगेट या स्टॉप लॉस भी यहां पे देखिए, ये 9th कॉलम में कोटक बैंक आ रहा है, सीएमपी बाय अबव 1774, टारगेट 1, टारगेट 2, स्टॉप लॉस, और इसके सिग्नल्स आ रहे हैं सारे, डिलीवरीज आ रही हैं, किस रेट पे डिलीवरीज इसकी हुई है। अभी हम आगे आपको डिस्कस करेंगे कि डिलीवरीज हमें कैसे देखनी चाहिए और डिलीवरी से हम किस तरीके से पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, और वो अपने आप में बहुत अच्छा टूल है एक वॉचलिस्ट क्रिएट करने के लिए। बट ये हमें आइडिया लगता है कि
कि क्या टारगेट होना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए। और दूसरा भी तरीका है कि सपोज मैं कोटक बैंक पे क्लिक करता हूँ, तो कोटक बैंक पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो कोटक बैंक का सपोर्ट S3, S2, S1 पिवट लेवल्स के हिसाब से R1, R2, R3 यानी फर्स्ट रेसिस्टेंस, सेकंड रेसिस्टेंस, थर्ड रेसिस्टेंस आते हैं। उसके बाद इसके डेटा डेरिवेटिव्स के बहुत सारे डेटा आ जाते हैं। अगर आप इसमें अलाउ करें मुझे तो मैं डेरिवेटिव डेटा एक्सप्लेन कर देता हूं। हाँ जरूर जरूर। कोटक बैंक की क्लोजिंग आज 1815 पे हुई है और इसका कॉल्स में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आप देखिए 1800 पे है। 1800 पे, हाँ। यानी दिस इज अ रेसिस्टेंस लेवल जिसके ऊपर ये क्लोज हो गया। इसका मतलब हो गया कि अब कोटक बैंक में एक शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए और मोस्ट लाइकली कल के ट्रेडिंग सेशन में, कल एक्सपायरी है तो आप देखिए बैंक निफ्टी लीडरशिप लेगी और उसका लीडरशिप कोटक बैंक ले सकता है। तो अगर हम आज इस चीज को आइडेंटिफाई कर लें तो हम आज भी पैसे बना सकते हैं और इसको कैरी फॉरवर्ड करके कल भी पैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये टूल से बहुत सारी चीजें आप निकाल सकते हो, स्टॉक से रिलेटेड, इंडेक्स से रिलेटेड, स्टॉक की सारी मूवमेंट आप पकड़ सकते हो। ये सब सारे टेक्निक्स एंड टूल्स इसके अंदर गौरव जी है। और न केवल जैसे आज आपने देखा आईटी वीक है, अब कई ऐसे ट्रेडर्स थे जिनको शॉर्ट करना या करंट लेवल पे मंदी खेलने में इंटरेस्ट है, तो उनके लिए भी जैसे आईटी काफी बेटर था। जैसे आईटी वीक है तो आईटी में सबसे ज्यादा वीक कौन है, सबसे ज्यादा वीक आज देखिए विप्रो था। तो जब वीकनेस खेलनी है तो वीक जो सबसे पीछे वाला घोड़ा है ना उसको बेचना है, नीचे से देखना है देना में। यस। और जब तेजी खेलनी है तो स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग वाला पकड़ना है, करेक्ट। तो इस तरीके से हम अपनी डे टू डे ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, कम से कम इतना जरूर कर सकते हैं कि जो हम गलत स्टॉक में घुस जाते हैं, हम ऐसे ही कुछ भी कर लेते हैं, उससे हम बच सकते हैं और राइट डायरेक्शन में अपनी ट्रेडिंग को लेके जा सकते हैं। ओके सर, थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहता हूँ। मुझे आप जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मदद से जो टारगेट एंड स्टॉप लॉस के जो आइडिया दे, थोड़ा सा मुझे समझ नहीं, आप थोड़ा सा और एक बार एक्सप्लेन कीजिए उसे। देखिए इसमें कोई भी जो स्टॉक्स आ रहे हैं उसके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की जो कैलकुलेशन है दैट इज बेस्ड ऑन पिवट लेवल। पिवट लेवल जैसे 1815 के आसपास है तो आज ऑलरेडी इसके इंट्राडे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस चेंज नहीं होते हैं। इसके जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है वो प्रीवियस डे की क्लोजिंग के हिसाब से, पिवट पॉइंट के हिसाब से कैलकुलेट होके आ जाते हैं। यानी सुबह ही आपको जैसे जब मार्केट खुलेगी तो आपको पिवट लेवल सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 कैलकुलेट होके आ जाएगा। ओके और ये सब हम लोगों का मतलब अगर बाय साइड पे तो R1 होगा फर्स्ट टारगेट, R2 होगा सेकंड टारगेट एंड R3 थर्ड टारगेट होगा थर्ड टारगेट एंड दिस इज फॉर ओनली इंट्राडे। क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की, तो इंट्राडे में क्या हुआ, ये तीनों टारगेट अचीव करके 1815 पे क्लोज हो गया। अब हमें लेना कब होता है, जब ये पिवट के ऊपर निकलता है तब हम लेते हैं। बट इसका फिर स्टॉप लॉस 1 हम रखते हैं 1748 विच इज अ सपोर्ट 1, S2 is the support 2 and S3 is the support 3 and this is valid for intraday. Okay. ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं और ये intraday में इसके support resistance change नहीं होते हैं क्योंकि इसकी calculation previous candles के ऊपर होकर के आई हुई होती है। Okay. Right. जी। तो और जैसे ये तो इंट्राडे का मैंने आपको दिखाया कि मॉडल कैसे है, किस तरीके से हम लोग इसको इंट्राडे में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे और भी इसमें टूल्स हैं, जैसे कि डिलीवरीज हो गई, डिलीवरीज का थोड़ा सा बताइए। हाँ, कौन सी मतलब एनालिसिस डिलीवरी का पॉसिबल है इस सॉफ्टवेयर की मदद से। ये देखिए डिलीवरीज का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले तो ये समझना है कि डिलीवरी वर्ड हम लोग डेली सुनते हैं कि मैंने 100 शेयर की डिलीवरी ली है आज या 500 शेयर की डिलीवरी ले ली, और नॉर्मली लोग क्या करते हैं जब वो लॉस में चला जाता है तो वो डिलीवरी उठा लेते हैं, प्रॉफिट में तो काट लेते हैं और डिलीवरी उठा लेते हैं। तो ये जो डिलीवरी का मॉडल है गौरव जी, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत बहुत यूजफुल है। स्विंग का मतलब हुआ कि जो ज्यादातर ट्रेडर का इंटरेस्ट क्या होता है कि मैं आज लूं और 4-5 दिन में मुझे 4-5% का प्रॉफिट आ जाए, दैट्स ऑल। इसे हम स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म मूवमेंट बोलते हैं। तो इसमें डिलीवरी इसका बहुत ज्यादा
फायदा होता है। और डिलीवरी का मतलब क्या हुआ? डिलीवरी का मतलब ये हुआ कि सपोज किसी शेयर में 1 लाख शेयर का वॉल्यूम हुआ, फॉर एग्जाम्पल, तो 1 लाख शेयर के वॉल्यूम में कितना परसेंट डिलीवरी उठा? सपोज किसी शेयर में 50% डिलीवरी उठती है, यानी 100 में से 50 शेयर में पैसे लगे और शेयर में किसी ने इन्वेस्ट किया। जैसे मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेता हूं जिसमें की डिलीवरीज नहीं उठती है और हमें उस, जैसे फॉर एग्जाम्पल, फिर हम लेंगे कुछ ऐसे स्टॉक जिसमें डिलीवरी उठती है। ओके, कोई भी आप शेयर, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल जील ले लिया, जील में तो 36% के आसपास डिलीवरी है, यानी कि जो भी शेयर ट्रेड हो रहा है उसका 36% डिलीवरी उठ रही है। एक हम पीएनबी देखते हैं, पीएनबी में आप देख सकते हैं कि, अब देखिए पीएनबी में क्या है, पीएनबी में शेयर, ये हम ओपन हाई लो क्लोज देख रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम आ गया, ये दिस इज द वॉल्यूम, ये डिलीवरी हो गई और ये परसेंटेज हो गया डिलीवरी परसेंटेज। अब आप ये देखिए कि अगर किसी शेयर में 100 शेयर का वॉल्यूम होता है और 18 शेयर की डिलीवरी होती है, इसका मतलब क्या हुआ? वो शेयर ट्रेडिंग स्टॉक है या इन्वेस्टमेंट स्टॉक है? ट्रेडिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग स्टॉक है। इसका मतलब क्या हुआ? एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए? ऐसे स्टॉक्स में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ओनली ट्रेडिंग करनी चाहिए। करेक्ट। यानी आप जब स्टॉक्स का सिलेक्शन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ट्रेडिंग स्टॉक है या इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, क्योंकि अगर उसमें ट्रेडिंग एक्टिविटी ज्यादा है तो इसका मतलब उसमें स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है, वो वॉलेटाइल है, आपको स्टॉप लॉस के साथ उसमें ट्रेड करना पड़ेगा। अब जैसे मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम रिलायंस लेते हैं, हम देखते हैं ये क्या है, डिलीवरी स्टॉक है या ट्रेडिंग स्टॉक है। अब रिलायंस की आप देखिए, एवरेज डिलीवरी 50% है, ऊपर एवरेज आ रहा है। अब ये 7 सितंबर की डिलीवरी मुझे दिख रही है 40%, और ज्यादातर केसेस में 50% होती है, यानी 100 से ट्रेड होते हैं और 50% डिलीवरी हो जाती है। तो दिस इज अ इन्वेस्टमेंट स्टॉक। व्हाई? किसी भी स्टॉक जिसमें 30% से ज्यादा डिलीवरी उठती है उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट स्टॉक बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें एक तो ये पता होना चाहिए कि दिस इज अ डिलीवरी स्टॉक और ट्रेडिंग स्टॉक। अब यहाँ पे इसमें एक मॉडल डिजाइन किया हुआ है गौरव जी, विच इज अ डिलीवरी एवरेज स्कैनर, ये दिख रहा होगा डिलीवरी एवरेज स्कैनर। अब सपोज हम कल के लिए एक वॉच लिस्ट क्रिएट करते हैं, वॉच लिस्ट निकालते हैं, और इसमें हम फिल्टर है 30, 40, 50, 60, 70, यानी कि अगर मैं 60 लूं तो 60 से ज्यादा डिलीवरी किन स्टॉक्स में हुई है। अब जैसे ही मैंने 60 सेलेक्ट किया तो 60 से ज्यादा डिलीवरी TCS, पावर ग्रिड, मारुति, इंफोसिस, ICICI, हिंदुस्तान लीवर और बजाज ऑटो, इनमें हुई है। अब इनमें ट्रेड कैसे लेना है, हमें देखना है एवरेज कितनी है और डिलीवरी कितनी हुई है। एवरेज इज 46, डिलीवरी इज 65, सो ये बेटर है, इस पे इसे हमें वॉचलिस्ट में रखना चाहिए, क्योंकि अगर एवरेज 46 है और डिलीवरी 65 है तो कुछ अनकॉमन एक्टिविटी है। बट हिंदुस्तान लीवर, इसकी एवरेज डिलीवरी 61 ही होती है और इसकी आज 66 हुई है, तो कोई ऐसा कोई खास बात नहीं है इसमें, दिस अ नेचुरल। हाँ, हिंदुस्तान लीवर इज अ नेचुरल डिलीवरी स्टॉक और इसमें 61 होती है, 61 ही हुई है। आईसीआईसीआई जिसकी डिलीवरी 61, दिस इज नॉट नॉट बैंकिंग, ये आईसीआईसीआई वो होगा इंश्योरेंस में है, 61% डिलीवरी होती है, आज भी 61 है तो कोई खास बात नहीं है। इंफोसिस 69% एवरेज डिलीवरी होती है, आप ये देख सकते हो कितना अच्छा डिलीवरी पैटर्न है इनका, बहुत ज्यादा है ना। तो इंफोसिस इज नेवर अ ट्रेडिंग स्टॉक, दिस इज अ डिलीवरी बेस्ड स्टॉक, आप स्टॉक को लोअर छोड़ दो। मारुति, मारुति में 50% होती है, 65% हुई है, तो इससे आप ये फाइंड कर सकते हो कि वैसा स्टॉक जिसमें कुछ ज्यादा, एवरेज से बहुत ज्यादा डिलीवरी होती है तो उसमें कुछ अनकॉमन एक्टिविटी हुई है, और फिर अगले दिन हम उसको वॉच लिस्ट में रखते हैं और जैसे ही वो हाई ब्रेक करता है तो हम ये मानते हैं दैट इज अ वैलिड ब्रेकआउट, क्योंकि अगर डिलीवरी उठी और हाई ब्रेक किया तो वैलिड ब्रेकआउट है। और अगले दिन सपोज उसका लो ब्रेक कर गया तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी ने डिलीवरी बेची है प्रीवियस डे, दैट इज अ वैलिड ब्रेकडाउन। तो कई बार फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन होते हैं, वो आप आइडेंटिफाई इससे कर सकते हो, और ये मॉडल आपको नेक्स्ट डे के लिए स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके देता है
कि कौन से स्टॉक्स आपके वॉच लिस्ट में होने चाहिए। सपोज अगर मैं 50% लगा दूं तो मेरे पास बहुत सारी लिस्ट आ जाती है। अब इसमें से आप एवरेज से निकाल सकते हैं कि कौन सा स्टॉक जिसमें एवरेज से ज्यादा, आप जैसे एक देखिए ये कैडिला है, कैडिला में 34% एवरेज होता था, 53% हुआ, तो ये वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। ओके, तो इस तरीके से सपोज कई ऐसे टेक्निकल ट्रेडर्स होते हैं जो जो अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, सो दैट उनको ब्रेकआउट्स वो फाइंड करते हैं। तो ये एक मॉडल है जो उनको काफी हेल्प कर सकता है टू फाइंड अ राइट स्टॉक फॉर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। ओके, तो सर क्या इसकी मदद से हम BTST के लिए भी एनालिसिस कर सकते हैं क्या इस मेथड को यूज करके? देखिए BTST इसकी मदद से नहीं होगा, क्यों? क्योंकि डिलीवरी का डेटा हमें शाम को आता है, डिलीवरी का डेटा भाव कॉपी आती है और उसके बाद अपडेट होती है, तो डिलीवरी आपको एक दिन डिलेट पता चलेगी। तो ये जो मॉडल है, ये मॉडल हमें स्विंग्स प्ले कराता है, यानी कि हम 3-5% का गेन 4-5 दिन या उससे जल्दी, कई बार जल्दी भी मिल जाते हैं, कई बार इंट्राडे भी मिल जाता है, तो उसके पर्पस से है। बट BTST के जो मॉडल है वो BTST के लिए आपको सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी इज द लीडर और बैंक निफ्टी के अंदर कोटक बैंक इज द लीडर। सो लीडरशिप के ख्याल से BTST हम कोटक बैंक में कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा इसका एक मॉडल है, सपोज यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 रैंकिंग आ रही है, ये निफ्टी 50 रैंकिंग। अब मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप आंसर जरूर देना कि निफ्टी के 50 स्टॉक्स में सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कौन है और सबसे वीक स्टॉक कौन है? सबसे स्ट्रॉन्ग मतलब किस हिसाब से, मार्केट कैप के हिसाब से? नहीं, मैं स्ट्रेंथ के हिसाब से पूछ रहा हूं। अगर मैं पूछूं कि निफ्टी में 50 स्टॉक हैं तो आज के दिन में सबसे ज्यादा प्राइस स्ट्रेंथ कौन से स्टॉक में थी और प्राइस वीकनेस सबसे ज्यादा कौन से में थी? सर आपके पास मैजिक टूल से हम कैसे बताएंगे, इतना डेटा थोड़ा है मेरे पास से। तो देखिए ये 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 बड़ा आसान हो जाता है अगर आपके पास ये टूल है तो। इसमें देखिए निफ्टी 50 रैंकिंग में हम गए और इसमें निफ्टी के ये 50 शेयर की रैंक है 1-50 और इसमें देखिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या आ रहा है, कोटक बैंक। आ रहा है, मतलब हर 15 मिनट बाद की मतलब डेटा एनालिसिस करके देता है, हर 15 मिनट अपडेट होता है 15 मिनट के प्राइस मूवमेंट को ना, ये अपडेट तो हर 4 मिनट पे होता है। ओके, ठीक है, ये लाइव अपडेशन चलती है इसकी, बट ये 15 मिनट के प्राइस कैंडल के कंपैरिजन में ये एनालिसिस को निकाल के देता है। ओके, अब देखिए आज के दिन में कोटक बैंक, ग्रासिम, कोल इंडिया, टाइटन और HDFC लाइफ, ये 5 ऐसे घोड़े थे जिस पे आप चार्ट्स लगा करके अपने हिसाब से ब्रेकआउट वगैरह देख के ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, ये मैंने पहले बताया आपको हेल्पिंग टूल है, ये मैजिक टूल आप इसको बोल रहे हो बट ये हेल्पिंग टूल है। कैसे हेल्पिंग टूल है, क्योंकि अगर कोई टेक्निकल ट्रेडर है तो ये 5 स्टॉक उसको आइडेंटिफाई हो गए, अब वो अपने वॉचलिस्ट लगा ले, इसमें वॉल्यूम ब्रेकआउट देख ले, 15 मिनट की कैंडल देख ले, जैसे ही ब्रेकआउट हो इनमें से 5 में से किसी में भी वो शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकता है। अब इसी में देखिए 5 सबसे वीक कौन से हो गए, आपने 5 सबसे स्ट्रॉन्ग निकाला, 5 सबसे वीक देखिए क्या है, हिंडाल्को सबसे वीकेस्ट है, डिवीज लैब, विप्रो, नेस्ले, ये देखिए नीचे के 5 स्टॉक सबसे वीक हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं आप घबरा जाओगे गौरव जी, कि FNO में जितने भी स्टॉक लिस्टेड है उनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, पूरे FNO में कितने स्टॉक होंगे, पूरे FNO में अपने पास यहाँ पे देखिए FNO रैंकिंग आ गई, FNO रैंकिंग, निफ्टी 50 की जगह हम FNO रैंकिंग में आते हैं, ये खुलने में थोड़ा समय लेगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टॉक ज्यादा है। अब ये पूरे FNO की रैंकिंग आ गई अपने 170 स्टॉक्स की, अब इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग आज के दिन में कौन सा था आप बताएं? मुझे तो नहीं पता। इसमें से देखिए 5 स्टॉक सबसे ऊपर हैं और ये हैं नौकरी, REC, HDFC, AMC, कैनफिन होम और IEXE और PFC, ये 5-6 स्टॉक्स हैं। इसको अलग से देखिए ऊपर से हम हाईलाइट कर रहे हैं स्ट्रॉन्गेस्ट और ये वीकेस्ट। तो बेसिकली आपको ये आइडिया लग जाता है कि इंट्राडे में अगर मुझे निफ्टी के अंदर ट्रेड करना है तो कौन सा स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए, और अगर मुझे निफ्टी के बाहर करना है FNO के 170 स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो कौन सा स्टॉक जो सबसे स्ट्रॉन्ग है उसमें मैं ट्रेड कर सकता हूं,
और उसके अंदर जो भी डेटा है वो आप इसको क्लिक करके, सपोज आपको वेदांता का डेटा देखना है तो वेदांता पे आप क्लिक करेंगे तो सारे डेटा आप अंदर जाकर के देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपको सारा डेटा, इंफॉर्मेशन, डिलीवरीज, लेवल्स, सब कुछ ऑन क्लिक्स आप देख सकते हैं। ओके ओके ठीक है सर। जैसे कि आपने वेदांत में जब क्लिक किया था उधर कुछ रेड एंड ग्रीन का रख, अब थोड़ा सा उसे ओपन कीजिए फिर से, तो इधर कुछ मतलब आ रहा है रेड एंड ग्रीन कलर में अप एंड डाउन, ये क्या है? देखिए ये बेसिकली वेदांता में इंडिकेटर, 9 इंडिकेटर्स हमने यूज किया। अब सपोज मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ गौरव जी कि एक चार्ट पे मैं आपको बोलूँ 9 इंडिकेटर्स आप प्लॉट करो, इंडिकेटर नंबर 1 RSI, इंडिकेटर नंबर 2 बॉलिंगर बैंड, इंडिकेटर नंबर 3 मूविंग एवरेज, इंडिकेटर नंबर 4 ADX, इंडिकेटर नंबर 5 EMA, पॉसिबल है 9 इंडिकेटर प्लॉट करना? बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। बट 9 इंडिकेटर के फॉर्मूले पे कैलकुलेट करके डायरेक्शन आप निकाल सकते हो एल्गो के थ्रू। अब यहाँ पे क्या, इंडिकेटर नंबर 1 इज सपोज मूविंग एवरेज, इंडिकेटर नंबर 2 इज बॉलिंगर बैंड, इंडिकेटर नंबर 3 इज RSI, मैं एक हाइपोथेटिकल नाम ले रहा हूं, तो ये 9 इंडिकेटर्स हैं अलग अलग और उसके बेसिस पे ये सिग्नल जनरेट हो रहे हैं 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट और डेली। ओके ये एक बॉक्स है जिससे आपको लगता है कि ज्यादातर इंडिकेटर्स किधर है, ज्यादातर डाउन है या, अगर आप इसको देख के क्या करोगे, वेदांता लोगे या नहीं लोगे? हम तो नहीं लेंगे, सेल करेंगे, करेंगे तो है ना। तो ये आप देखो, देखते ही विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वेदांता में ज्यादातर सिग्नल डाउन के हैं, तो मुझे इसको अवॉइड करना है भाई। अब सपोज मैं इसको दूसरा कोई स्टॉक में आते हैं, कोई आप स्टॉक बताएं, रिलायंस ही ओपन कीजिए। चलो रिलायंस देखते हैं, रिलायंस देखते हैं। देखिए अब इसको देख के आप क्या करोगे, अभी 5 मिनट का जो सिग्नल है वो तो ओवरऑल आप है, 5 मिनट बाय है, 15 मिनट बाय है, डेली में तो सारे बाय है, तो डेली में तो सारे बाय है, तो देखिए ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट हो ही गया भाई। डेली का मतलब हो गया थोड़ा सा मिड टू लॉन्ग टर्म, 60 मिनट में थोड़ा थोड़ा सेल आ रहा है, बट मेजरली इंपॉर्टेंट डेली वाला होता है, क्योंकि डेली में अगर बाय है सारे इंडिकेटर, यानी कि वो अप ट्रेंड में स्टॉक है, इंट्राडे कभी कदार नीचे आएगा बट वो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। तो अगर कोई भी स्टॉक डेली में अप ट्रेंड है तो वो कभी गलती से भी उसको शॉर्ट नहीं करना चाहिए, गलती से भी शॉर्ट नहीं करना चाहिए। जैसे मैं आपको एक हम इसमें और कोई आप लो, जैसे HDFC बैंक कोटा की ओपन कीजिए आप। अब कई बार क्या होता है ना, मार्केट थोड़ी मोड़ी गिरती है, लोग शॉर्ट बना के बैठ जाते हैं। अब कोटक देखिए, कोटक में डेली में 9 में से 8 इंडिकेटर अप है, तो कभी भी गलती से मार्केट डिप दे, कुछ दे, इन स्टॉक्स को तो गलती से हमें बेचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो ट्रैपिंग होती है मार्केट। तो डेली सबसे इंपॉर्टेंट है, और डेली के साथ साथ अगर इंट्राडे भी मुझे आप मिल रहे हैं, अब ये बॉक्स देख करके कितना सेकेंड लग रहा है आपको डिसाइड करने में कि स्टॉक में तेजी है मंदी है? सेकेंड, 1-2 सेकेंड लगेगा मैक्सिमम। और एक जो बिगिनर्स है जिसको कुछ भी नहीं आता है टेक्निकल एनालिसिस, क्या वो इसको यूज करके इजी टू अंडरस्टैंड है या नहीं है गौरव? हाँ बिल्कुल ही, क्योंकि इतना 9 इंडिकेटर अगर कोई लगाएगा तो मतलब कौन सी प्राइस चार्ट है, कौन सी इंडिकेटर है, कुछ तो समझ नहीं आएगा। मतलब इधर हम एक झलक में देख के कह सकते हैं मतलब आप है या फिर डाउन है, कौन सी सौदा लेना है, काफी अच्छा है। तो ये बेसिकली हमने इसको डिजाइन ही किया है एक बिगिनर्स के ख्याल से, क्योंकि जिसको ना टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज है ना मार्केट की नॉलेज है, वो भी इसको देख के कम से कम एक राइट डायरेक्शन में चल सकता है। और अगर कुछ ऐसे हैं जो इंटरमीडिएट हैं या एडवांस हैं, उनके लिए तो एक तरीके से एज है, वो तो और काफी बेटर कर सकते हैं। जैसे आप हैं, आप इसको यूज करोगे तो आप धुआं मचा दोगे। तो वही बात है, जो थोड़ा एडवांस है वो उसके लिए काफी वैल्यू एड कर सकता है, और जो बिगिनर है उसको तो बिल्कुल गाइडेंस मिलेगी। ओके मतलब हर तरह की, हर कैटेगरी की, हर लेवल की ट्रेडर इसे ले सकते हैं। यस देखिए क्या है, ये मर्सिडीज है, मर्सिडीज को चलाने वाला अच्छा ड्राइवर होना चाहिए। कोई ऐसा ट्रेडर है जो इसको यूज करके काफी अच्छे पैसे बना रहे हैं, कुछ ऐसे ट्रेडर हैं जो इसको यूज करके लॉस भी कर रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि ये टूल है और आपने ले लिया प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
इसमें डेटा है, डेटा के ऊपर आपकी इंटरप्रिटेशन है। और ऐसा भी नहीं है कि जो ट्रेड आप लोगे वो हर ट्रेड प्रॉफिट में आएगा। कुछ लेवल की एक्यूरेसी है, कुछ लेवल का ड्रॉडाउन है, वो सब कुछ है इसमें। आप ऐसा नहीं मान सकते कि दिस इज अ 100% एक्यूरेट मॉडल। हर चीज का एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है, बट यस ये कम से कम आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन में गाइड करेगा ताकि आप गलती कम से कम करो। तो सर मतलब मैं पूछना चाहता हूँ, मतलब आपको क्या लगता है, मतलब इंट्राडे के दौरान स्टॉप लॉस कितना जरूरी है? ठीक है, बिना स्टॉप लॉस के तो इंट्राडे ट्रेडिंग करनी ही नहीं चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है, ये मस्ट है फ्रॉम अ डिसिप्लिन पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि क्या है, जो ट्रेडर्स इंट्राडे ट्रेड करते हैं ना, उनमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होता है, पेशेंस नहीं होता है। ठीक है, तो वो इंट्राडे ट्रेडर इसीलिए हैं क्योंकि उनको पेशेंस नहीं है। और इंट्राडे में अगर आप स्टॉप लॉस, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव इंट्राडे है और आप फ्यूचर में लिवरेज कर रहे हैं, इसलिए स्टॉप लॉस के बिना इंट्राडे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। और खास तौर से जब हम ऑप्शंस में कर रहे हैं तब तो स्टॉप लॉस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और नॉर्मली स्टॉप लॉस 1 से 1.5% आप अपने बाइंग प्राइस का रख सकते हो, डिपेंडिंग आपकी एंट्री कैसे होती है, किस क्राइटेरिया पे एंट्री करते हो। बट मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस के बिना तो इंट्राडे ट्रेडिंग करनी ही नहीं चाहिए। मुझे भी सेम लगता है, स्टॉप लॉस के अलावा ट्रेडिंग बिल्कुल सट्टा जैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर और एक चीज पूछना चाहता हूँ, मतलब आपका मतलब पर्सनल व्यू क्या है, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर की मदद से एनालिसिस करना या फिर मैनुअली एनालिसिस करना, कौन सी ज्यादा मतलब एक्यूरेसी लेवल के हिसाब से कौन सी ज्यादा एक्यूरेट होता है? आपने गौरव जी मेरे से क्वेश्चन पूछा कि मैनुअल एनालिसिस इज बेटर और सॉफ्टवेयर की हेल्प से एनालिसिस करना बेटर है, करेक्ट? तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि निफ्टी के 50 में से कौन सा घोड़ा आगे चलेगा, आप मैनुअली बताओ। क्या आप बता सकते हो? नहीं पॉसिबल बताओगे? नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं कि आपने कोटक बैंक देख लिया, अप है। आपने रिलायंस देख लिया, अप है। अब आप मुझे बताओ, आईसीआईसी बैंक अप है कि डाउन है? पता नहीं, पता नहीं नहीं। हाँ तो पता क्या नहीं है। मैनुअली पॉसिबल है? नहीं है। तो मैनुअली हमारा माइंड सारा कुछ कैलकुलेट नहीं कर सकता, कुछ चीजें हमें सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करनी ही पड़ेगी, क्योंकि डेटा इतने सारा होते हैं कि हम उसको मैनुअली रीड नहीं कर सकते, राइट? तो इसलिए हमें डिलीवरी डेटा है, ओपन इंटरेस्ट डेटा है, 9 इंडिकेटर्स के डेटा है, ये सब सारा अगर स्टडी करना है, मल्टीपल स्टॉक्स को स्टडी करना है, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके थ्रू हम उसको स्टडी कर सकें और इंटरप्रिटेशन के बाद ट्रेडिंग कर सकें। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर के बिना मैनुअली करना गलती होने के चांसेस बहुत हैं, कोई ना कोई डेटा सॉफ्टवेयर आपको यूज करना ही पड़ेगा। एग्री विथ यू सर। और सर मैं जैसे कि पूछना चाहता हूँ, जैसे कि सर आपने बोला कि काफी सारे डेटा है, बहुत सारे डेटा है इस सॉफ्टवेयर के अंदर, लेकिन इस सॉफ्टवेयर की एक्यूरेसी लेवल कितना है? वेरी गुड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्यूरेसी। अब देखिए, जो हम लोगों ने बैक टेस्ट किया, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सारे मॉडल्स की एक्यूरेसी इक्वल है। कुछ मॉडल्स की एक्यूरेसी 65% है, कुछ मॉडल की एक्यूरेसी 70 भी है, और कुछ मॉडल की एक्यूरेसी बिलो 60 भी है। बट वहां पे रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, निफ्टी के जो मॉडल्स हैं, निफ्टी के इसमें मॉडल्स हैं जिसमें हम पुट कॉल रेशियो पे ट्रेड करते हैं, और बैंक निफ्टी का मॉडल है इंट्राडे के लिए जिसमें हम पुट कॉल रेशियो यूज करते हैं, तो उसकी एक्यूरेसी करीब 65% हमें देखने को मिली है। अब हम स्टॉक्स के मॉडल में आते हैं या डिलीवरीज के मॉडल में आते हैं, तो डिलीवरीज की जो मॉडल है उसकी भी 60+ एक्यूरेसी है, बट वहां पे आपकी अपनी इफिशियंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज हमने डिलीवरी में वॉच लिस्ट निकाल लिया, अब वॉच लिस्ट में जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक आपको लेना नहीं है। अब कई ऐसे ट्रेडर्स हो सकते हैं जो जो डिलीवरी परसेंटेज देखा और हाई समझ के ले लिया, वो हाई डिलीवरी का मतलब सेल भी हो सकता है। तो एक्यूरेसी तभी आएगी जब आप अपनी नॉलेज और डेटा दोनों को कंबाइन करेंगे, यानी साइंस एंड आर्ट। आपकी अपनी नॉलेज में मानता हूं आर्ट है, और ये जो डेटा है दैट इज अ साइंस। जब आर्ट एंड साइंस दोनों को आप कंबाइन करोगे तो एक्यूरेसी आपकी कम से कम 65+ परसेंट जाएगी।
बट अगर आप अपने आर्ट को कंबाइन नहीं करेंगे, खाली साइंस पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो हो सकता है एक्यूरेसी 60% भी नहीं दे। तो मेरा ये बोलना है कि एक्यूरेसी अच्छी है, डेटा सारे हैं, आपके इंटरप्रिटेशन पे भी थोड़ा डिपेंड करता है कि आप उस डेटा को कैसे समझते हो और क्या बायस लेकर के चलते हो। बट ओवरऑल 60+ एक्यूरेसी मिलती है और 10 में से 6 ट्रेड 7 ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल बैठेंगे, 3 ट्रेड आपको लॉस, 3 से 4 ट्रेड लॉस के भी होंगे जिसमें स्टॉप लॉस काट के आपको निकलना पड़ेगा। यानी कि स्टॉप लॉस मोस्ट इम्पोर्टेंट, नहीं तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस के बिना, क्योंकि कैपिटल कंस्ट्रेंट होती है, आप स्टॉप लॉस नहीं फॉलो करोगे अगले दिन गया तो फिर और बड़ा लॉस बुक करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस इज वेरी, हाँ सर, ओके थैंक यू सर। और सर जो सॉफ्टवेयर है उसके मतलब कितना एक्सपीरियंस है, सॉफ्टवेयर के पास कितना तजुर्बा है? देखिए ये इसका 2 तरीके का तजुर्बा है। अब आप बोलेंगे 2 तरीके का तजुर्बा कैसे हो सकता है, तो ये सॉफ्टवेयर को कुल मिला के 6 साल का तजुर्बा है। अब 6 साल में आप ये मानो कि 3 साल का तजुर्बा इनका SMC का प्रोप्राइटरी डेस्क का है, यानी कि ये SMC के प्रॉप या इंटरनल के लिए ये 3 साल ये सॉफ्टवेयर चला है और लास्ट 3 साल से हम लोगों ने इसको क्लाइंट के लिए ओपन किया। ओके, 3 साल का जो तजुर्बा है वो हमारे इंटरनल ट्रेडर्स या इंटरनल प्रॉप डेस्क के ट्रेडर्स या जो हमारे सब ब्रोकर हैं उनके लिए तजुर्बा है और लास्ट 3 साल से क्लाइंट्स के लिए है। तो बेसिकली ये 6 साल का एक्सपीरियंस है और इसके पीछे जो मॉडल्स हैं उसको हम लोगों ने 10-12 साल के जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है हमारे ट्रेडर्स का उसको हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया। यानी कि काफी रिलायबल मान सकते हैं हम। और सर जैसे कि आपने बताया तो हम देखते हैं कि SMC भी खुद का एक रिसर्च रिपोर्ट देता है, उधर टारगेट स्टॉप लॉस मतलब सब कुछ रहता है, तो मतलब वो जो टोटली रिसर्च होता है क्या इसी सॉफ्टवेयर की मदद से वो किया जाता है? देखिए रिसर्च जो टारगेट या स्टॉप लॉस देते हैं वो हमारे रिसर्च एनालिस्ट देते हैं। अब रिसर्च जो एनालिस्ट हैं उनकी एक अपनी एक्सपर्टीज है, अपनी नॉलेज है, ये उनके ऊपर है, वो इस सॉफ्टवेयर को यूज करके अपनी जो रिसर्च है उसको इफिशियंट करते हैं। ऐसा मैंडेट नहीं है कि उनको केवल इसी के ऊपर कॉल देना है, ये उनकी अपनी स्किल है, वो यूज करते हैं, सबके पास ये खुला होता है। अब वो अपनी स्किल को इन्हांस करते हैं, इससे डेटा स्टडी करते हैं, फिर चार्ट्स देखते हैं, फिर उसके हिसाब से वो कॉल्स देते हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो इसके ऊपर कॉल देते हैं, वो इस टूल को यूज करके अपनी रिसर्च को इम्प्रूव करते हैं और फिर उसके हिसाब से कॉल्स देते हैं। ठीक है, मतलब पूरा कॉम्बाइन मिक्सचर है। यस, ट्रेडर को भी ऐसे ही करना होगा, ट्रेडर्स को भी ऐसे ही करना होगा कि वो डेटा को यूज करे, फिर अपनी रिसर्च और अपनी आर्ट को यूज करके फिर बेटर ट्रेडिंग करे। ओके, ठीक है। सर जैसे कि शेयर मार्केट के अंदर काफी सारे कंपनी लिस्टेड है, कुछ 4-5 हज़ार से भी तो ज्यादा कंपनी लिस्टेड, तो क्या सारे कंपनी की डेटा हमें सॉफ्टवेयर के अंदर मिलेगा? नहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये जो डेटा है या ये जो सॉफ्टवेयर है ये मेनली FNO लिस्टेड स्टॉक्स पर डिजाइन किया गया है, यानी कि मोस्ट लिक्विड स्टॉक्स FNO लिस्टेड में, FNO में जो लिस्टेड हैं उन्हीं स्टॉक्स का डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, जो FNO से बाहर है उनका डेटा आपको नहीं मिलेगा। और जो डिलीवरीज का डेटा हमने स्टडी किया वो डेटा भी काम उन्हीं स्टॉक्स पे करेगा जो FNO में लिस्टेड है, नॉन FNO स्टॉक्स पे तो खाली डिलीवरी ही होती है तो उसकी ऑलरेडी डिलीवरी परसेंटेज ज्यादा रहेगी, तो उसमें ये मॉडल काम भी नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जो मॉडल है दिस इज डिजाइन ऑन FNO लिस्टेड स्टॉक्स व्हिच इज नियरली 170 स्टॉक्स। ओके, ठीक है। और सर एक काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग एक सवाल है जो कि काफी ट्रेडर के मन में रहता है, मतलब मार्केट में हमें कब एंट्री लेना चाहिए? जैसे मार्केट तो 9:15 पे ओपन हो जाता है, तो क्या हमें उसी टाइम पे एंट्री लेना है या फिर किस टाइम पे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन बड़ा ढूंढ ढूंढ के लाया गौरव जी आप। और देखिए अगर हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो हमें पेशेंस रख के 10 बजे के बाद एंट्री लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो 9:15 से 10 बजे का पीरियड होता है ना वो नॉर्मली मिसगाइडिंग पीरियड होता है और उसमें ज्यादातर इम्पेशेंट ट्रेडर ओपनिंग में ही SGX निफ्टी को देख के या फिर TV चैनल्स पे कॉल्स को देख करके वो ट्रेड इनिशिएट करते हैं। ओके, उसमें कई बार ट्रैपिंग होती है। और जब आप 10 बजे के बाद करोगे तो आप क्यों 10 बजे के बाद करोगे? क्योंकि आप डेटा देख सकते हो,
10 बजे तक आपको निफ्टी का भी एक बेसिक डेटा मिलेगा, आपको बैंक निफ्टी का भी कुछ डेटा बन जाएगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर ट्रेडिंग ट्रेडर्स हैं और आप सेक्टर में ढूंढ रहे हैं तो आपको एक सेक्टर का भी आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा सेक्टर में स्ट्रेंथ आ रही है, फिर उस सेक्टर में कौन सा स्टॉक में स्ट्रेंथ आ रही है। क्योंकि देखिए इंट्राडे जो ट्रेडर है उसको उसको तो अगर 3 से 4 रुपये मिल गए एक लॉट में तो वो बहुत खुश है, ठीक है। अगर उसको मौका 12 बजे भी मिला और 12 बजे से 1 बजे के बीच में अगर 5 रुपया स्टॉक मूव कर गया तो उसका तो दिन बन गया, ठीक है। और अगर वो 10 बजे के पहले घुस गया और वो 5 रुपया नीचे आ गया तो वो दिन भर परेशान हो जाता है कि ये 5 रुपया कब बढ़ेगा, मेरा प्राइस कब आएगा और मैं निकलूंगा। तो हम क्यों ना वेट करें और पेशेंस रखते हुए हम अगर 10:30-11 बजे के बाद जो मैंने सेक्टर आइडेंटिफिकेशन बताया इसको देख करके अगर ट्रेड करें, और खास तौर से अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूँ ना तो मैं 2 बजे के बाद जनरली ट्रेड करता हूँ स्टॉक्स में, और 2 बजे के बाद जो सेक्टर आइडेंटिफाई करोगे जो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर रहेगा वो 2 से 3:30 के बीच में उस सेक्टर के स्टॉक्स दौड़ते ही दौड़ते हैं ज्यादातर केसेस में। ओके, 2 बजे के बाद क्या होता है ना क्लोजिंग मूव आती है। और इंट्राडे ट्रेडर्स को क्या चाहिए, अगर मुझे 10 रुपया कोटक बैंक में मिल गए तो मेरा काम हो गया, ठीक है। आईसीआईसी बैंक में मुझे 5 रुपया मिल गया, 1200 का लॉट है तो 6500 रुपये आ गए, मेरा काम हो गया। तो 2 बजे के बाद अगर आप ट्रेड करोगे और इस मॉडल को यूज करोगे तो आपकी एक्यूरेसी लेवल और बढ़ती है। तो कम से कम ये जरूर करें कि आप 10:30 के पहले इंटरनेट ट्रेडिंग नहीं करें, तब तक आप इंजॉय करें, देखें, चाय पिए, 10:30 के बाद आप ट्रेड करें। ओके ग्रेट, थैंक यू सर। मतलब काफी कंफ्यूजन रहता है इस बात को लेकर। तो सर जैसे कि सपोज आज निफ्टी इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, सपोज आज निफ्टी इंक्रीज हुआ है तो मतलब उस दिन हमें क्या सेल या फिर शॉर्ट सेलिंग करना चाहिए या फिर नहीं? नहीं, ये इंक्रीज निफ्टी ऊपर जा रहा है तो शॉर्ट सेलिंग नहीं करना चाहिए। कई ऐसे ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं इसमें, और उससे तो इस तरीके से बेसिकली आप डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं। अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हैं तो इंडेक्स का डेटा यूज कर सकते हैं, आप निफ्टी ट्रेडर हैं निफ्टी का डेटा यूज कर सकते हैं, आप स्टॉक ट्रेडर हैं आप स्टॉक्स का डेटा यूज कर सकते हैं, है ना। अगर आप सब कुछ करते हैं तो सारा डेटा अवेलेबल है इसमें, आप यहाँ पे स्टॉक एनालिसिस कर सकते हैं, है ना। हर तरीके से डेटा को आप यूज करके अपनी ट्रेडिंग एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, बेसिकली एक्यूरेसी लेवल इंक्रीज होती है आपकी। तो कैश मार्केट हो या फिर फ्यूचर रन ऑप्शन, सब सब कुछ का आंसर है ऑटो ट्रेडर। पैसे कमाना है और कुछ राइट डायरेक्शन में मूव करना है तो दिस प्रोडक्ट इज अ वैल्यू फॉर मनी। ओके सर, जैसे कि अब तक हमने समझा, हमें भी मुझे भी लगा प्रॉफिट कमा के देगा बना के देगा ऑटो ट्रेडर, मुझे भी लगता है खास करके इंट्राडे ट्रेडर के लिए एक बहुत ही अच्छा एक चीज है। तो सर मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं तो आज मतलब इवेंट खत्म होने के बाद ही आपको कॉल करूंगा और कैसे लेना है वो तो मैं खुद से पूछ ही लूंगा, लेकिन और भी सारे व्यूअर्स है तो अगर व्यूअर्स को किसी को भी लेना है तो मतलब उसकी प्रोसीड्यूर क्या रहेगा और अगर चार्जेस के बारे में भी हमें थोड़ा सा आइडिया मिल सके तो मतलब थोड़ा सा क्लियरिटी होगा। देखिए ये SMC और स्टॉक कार्ड इनका प्रोडक्ट है। ओके और आप स्टॉक कार्ड की वेबसाइट के थ्रू इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं या SMC ग्लोबल के थ्रू भी कर सकते हैं। और सर मैं सॉरी एक इंटरप्ट करना चाहता हूँ, मतलब क्या इस सॉफ्टवेयर को लेने के लिए SMC के अंदर या फिर स्टॉक कार्ड के अंदर डीमैट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका डीमैट अकाउंट SMC या स्टॉक कार्ड में ही होना चाहिए, क्योंकि दिस सॉफ्टवेयर इज ओपन फॉर एवरीवन टू ऑल द ट्रेडर्स टू ऑल द ट्रेडिंग कम्युनिटी, एनीबॉडी कैन सब्सक्राइब एंड यूज, बिकॉज ये एक रिसर्च पोर्टल है और डेटा पोर्टल है जहाँ पे कोई भी इसका बेनिफिट उठा सकता है। और इसके डिटेल में अगर समझना है जो सेल्स पिच है या मार्केटिंग चीजें तो वो स्टॉक कार्ड से हमारे साथ अवेलेबल होंगी मैम, आइदर शिल्पा कैन डिस्क्राइब और प्रतीक, दोनों में से कोई भी अगर सुन रहे हैं हमें तो प्लीज आप गौरव के इन क्वेश्चंस का आप आंसर दे दो कि अगर किसी भी ट्रेडर्स को ये सॉफ्टवेयर सब्सक्राइब करना है तो वो किस तरीके से सब्सक्राइब कर सकते हैं। सर तरीका बहुत सिंपल है, अगर इसको ऑटो ट्रेडर सब्सक्राइब करना है तो हमारी वेबसाइट पर जाकर वेबसाइट में प्रोडक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके वहाँ पर ऑटो ट्रेडर का उसको ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ पर वो जैसे क्लिक करता है तो वहाँ से ऑटो ट्रेडर सब्सक्राइब के लिए
पैक मिल जाता है 6 मंथ और 12 मंथ के लिए। जो भी पैकेज सब्सक्राइब करना चाहता है वहाँ से वो सब्सक्राइब कर सकता है, वहीं पे पेमेंट ऑप्शंस भी आ जाता है। एक और ऑप्शन है सर, आपको एक अकाउंट ओपनिंग के लिंक पर जाकर, अकाउंट ओपनिंग के लिंक पर जाकर एक हम आपको प्रोमो कोड प्रोवाइड कर देंगे, उस प्रोमो कोड को वहाँ मैंशन करता है, देन वहाँ से भी वो सब्सक्राइब करवा सकता है। तो उसमें सर भी प्रतीक जी थोड़ा सा हमें आइडिया दे सकते हैं, मतलब इसका चार्जेस वगैरह क्या है? सर, इससे हम बात करें चार्जेस की, तो चार्जेस इसका 6 मंथ के लिए स्टॉक्स कार्ड के क्लाइंट और नॉन स्टॉक कार्ड क्लाइंट के लिए, 6 मंथ का जो स्टॉक्स कार्ड क्लाइंट के लिए है वो 7,500 का है, और 12 मंथ का 12,000 रुपीज़ का है। ओके, और सर नॉन स्टॉक्स कार्ड क्लाइंट के लिए 6 मंथ का 9,000 रुपीज़ का है, और 12 मंथ का 15,000 रुपीज़ का है। ओके ओके सर, मुझे भी लगता है ऐसे चार्जेस काफी कम ही है, रीजनेबल है, और क्योंकि मार्केट की सारे डेटा को एक ही जगह के अंदर हमें मिल रहा है, तो एक सॉफ्टवेयर ऑटो ट्रेडर को लेने के बाद हमें अलग अलग सॉफ्टवेयर या फिर अलग अलग वेबसाइट के अंदर जाकर एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होगा, तो हम डायरेक्टली एक ही प्लेटफॉर्म से सारे डेटा लेकर एनालिसिस करके सही स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग कर पाएंगे, और अगर हम सही से कुछ दिन भी ट्रेडिंग करते तो इसके जो चार्जेस है वो भी हम रिकवर कर लेंगे कुछ ही दिन के अंदर। सर ये सब तो ठीक ठाक है, मतलब चार्जेस भी काफी कम है वो हमने सबने समझा, मतलब थोड़ा सा अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सके, जैसे कि अगर आप कोई जो व्यूअर्स अभी देख रहे हैं हम सबको, तो अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ डिस्काउंट मिल जाए या फिर अगर एक या फिर दो वीक के लिए अगर हमें ट्रायल भी मिल जाए तो मतलब बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि बिगिनर्स को थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा पुश चाहिए एक स्टार्ट करने के लिए, तो थोड़ा सा अगर आप हमें पुश दे सकते हैं। बिल्कुल गौरव, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने दो चीज पूछा कि एक तो ट्रायल आईडी हम आपको दे सकते हैं, आप जो भी रिक्वेस्ट हमें भेजेंगे हम वो सारी रिक्वेस्ट की ट्रायल आईडी आपको क्रिएट करके दे देंगे, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि व्यूअर चीजों को समझे, देखे, और उसे उन्हें लगता है कि अगर इस चीज से उनका कुछ बेनिफिट हो सकता है तभी उनको इन्वेस्ट या सब्सक्राइब करना चाहिए। तो ओके ट्रायल आईडी बिल्कुल आप हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हो। बट सर, इसके लिए आपके क्लाइंट को आपके इस वीडियो के व्यूवर्स वीडियो से आता है और वो मेंशन करता है कोड आपका, तो वहाँ उन्हें हम 6 मंथ में 2 मंथ्स एक्स्ट्रा देंगे और 12 मंथ्स में 3 मंथ्स एक्स्ट्रा देने वाले हैं उसमें। तो आपके आपके वीडियोस के थ्रू आता है, आपका प्रोमो कोड यूज़ करता है, तो उस प्रोमो कोड के थ्रू आपके क्लाइंट को ये बेनिफिट मिलेगा। और एक और हम दे रहे हैं ट्रायल बेसिस के लिए, 999 में हम दे रहे हैं। 999 में अगर वो अकाउंट ओपन करता है स्टॉक्स कार्ड के साथ में, तो उसको 15 डेज का ऑटो टेंडर फ्री मिल जाएगा, प्लस अनलिमिटेड 1 मंथ के लिए ब्रोकरेज फ्री मिलेगा, प्लस अकाउंट ओपनिंग चार्जेस फ्री रहेगा, तो वहाँ से भी वो ट्रायल वर्जन ले सकता है। तो मुझे लगता है सारे व्यूअर्स को काफी हेल्पफुल रहेगा, हेल्पफुल होगा ये टूल्स, हम और भी ज्यादा पैसा कमाएंगे इसे यूज करके। तो सर आपसे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, अगर आप कोई व्यूअर्स को मैसेज या फिर हमें कोई मैसेज देना चाहते तो जरूर से शेयर कीजिए। देखिए क्या है कि कोई भी टूल आप लेते हो या सब्सक्राइब करते हो तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने टूल ले लिया और प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे हम कोई भी बुक खरीदते हैं तो हम ऐसा नहीं होगा कि बुक हमने खरीद लिया तो हमें सारी स्ट्रेटजीज आ गई या हम सारा कुछ सीख गए। उसके पीछे भी आपको आगे मेहनत करनी पड़ती है, उसको अच्छे से समझना है। समझने के लिए हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है। हमारी टीम रेगुलर वेबिनार्स करते रहती है तो वो वेबिनार्स आपको अटेंड करने हैं। कुछ ट्रेनिंग वीडियोस ऑलरेडी होते हैं, जैसे कि अगर आप ऑटो ट्रेंडर के अंदर ही देखेंगे, जैसे मैंने अभी स्क्रीन चेंज करी तो नीचे लर्निंग वीडियोस आ रहे हैं, लर्निंग वीडियोस हैं। तो आप किसी भी चीज को लेते हैं तो पहले उसको सीखिए, समझिए, लर्न कीजिए, फिर आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, यानी कि पेपर पे 10-15 दिन आप ट्रेड करके देखो कि क्या ये चीज आपको प्रॉफिट दे रही है या नहीं दे रही है। ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर सब्सक्राइब किया, कल ही आप खूब एग्रेसिव ट्रेडिंग करने लग जाओ और फिर आपको लगे कि नहीं लॉस हो गया। तो मेरा मैसेज यही है कि चीज को आप पहले ट्रायल में, जो हम ट्रायल आईडी देंगे उसमें 1 वीक तक आप प्रैक्टिस करके देखो कि क्या ये आपके लिए यूजफुल है या यूजफुल नहीं है। जब आपको लगे कि नहीं आपके लिए यूजफुल है तो आप फिर आगे सब्सक्रिप्शन में जाइए। उसके बाद भी 10-15 दिन आप टेस्ट करके देखो कि क्या ये मॉडल वाकई में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, चलो आपका सब्सक्रिप्शन अमाउंट ही वेस्ट हुआ, और अगर आप कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा आगे धीरे धीरे स्टडी करके कर सकते हो। तो इसमें दो मैसेज है, फर्स्ट ये है कि आप सीख के समझ के प्रैक्टिस करके इसको यूज करो,
दूसरा, हमारे जितने भी वेबिनार्स एंड ट्रेनिंग सेशंस होते हैं उसको आप रेगुलर अटेंड करते रहें, क्योंकि जब तक आप वेबिनार्स और ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं करेंगे आपको ये सॉफ्टवेयर की जो टेक्निकल चीजें हैं वो समझ में नहीं आएगी। तो ये दो मैसेज हैं वरब जी जो हमें मस्ट फॉलो करना चाहिए। सर हम जरूर इसे याद रखेंगे, हमें लर्न करना है, लर्न बिफोर अर्न, तो इस मैसेज को बिल्कुल, हम लर्निंग एंड अर्निंग बोथ शुड हाँ गो टुगेदर। ओके जरूर हम इसे याद रखेंगे। तो जिस किसी को भी ऑटो ट्रेनर के बारे में जानना है, कोई क्वेरीज है, या फिर अगर कोई भी लेना चाहते हो, उसके लिए हम एक नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक फॉर्म, गूगल फॉर्म दे सकते हैं। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है जो आप लेना चाहते हो ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर को, तो डायरेक्टली आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया लिंक पे जाइए, आपके नाम और मोबाइल नंबर फिलअप कीजिए, तो ऑटो टेंडर टीम से आपके पास कॉल आ जाएगा। देन आपके अगर कोई भी क्वेरीज वगैरह रहेगा या फिर जो भी सवाल है, तो आप डायरेक्टली उनसे बात करके वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी ट्रायल लेने की जो लिंक रहेगा, या फिर अगर आप डायरेक्टली बाय करना चाहते हो, उसकी लिंक भी मैं सर से लेकर और नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। तो सर बहुत ज़्यादा शुक्रिया इतना अच्छा प्रेजेंटेशन देने के लिए। आज आपसे हम बहुत कुछ सीखा है इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में, और व्यूअर्स आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया आज की मास्टर क्लास को सक्सेसफुल करने के लिए। अगर आज की वीडियो से आपको वैल्यू मिला, आज की वीडियो से आपको थोड़ा भी नॉलेज मिला है, तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, और वीडियो पसंद आने पे जरूर से इसे डिसलाइक करें। इसी तरह से क्वालिटी कंटेंट, फाइनेंशियल जटिल चीज को आसान भाषा में आपको केवल इसी चैनल पे मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑन करना ना भूले। जो भी है, थैंक यू दिल से, हम मिलेंगे फिर से। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, थैंक यू।